केस की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए इस एपिसोड में मुख्य दोषी का नाम बदल दिया गया। प्लीज दरवाजा बंद मत करना। प्लीज जस्ट लेट मी इन फॉर 2 मिनट्स प्रिया। लेट मी इन फॉर जाओ यहां से नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। प्रिया मैं बस माफी मांगने आया प्रिया प्लीज मुझे माफ कर दो तुम फिर मैं चला जाऊंगा। माफ किया जाओ मैंने तुम्हें माफ किया इट्स ओके इट्स ओके। प्रिया तुम्हारी आंखों में नहीं लगता कि तुमने मुझे माफ किया। प्लीज तुमने दिल से नहीं माफ किया मुझे। आई कैन सी मैंने तुम्हें दिल से माफ किया आशुतोष चल जाओ यहां से। आई बेग यू प्रिया प्लीज जस्ट गिव मी 2 मिनट्स फिर मैं चला जाऊंगा। आई विल नेवर कम अगेन। आई जस्ट वांट टू कम इन फॉर 2 मिनट्स प्रिया तो फिर के बाद मैं चला जाऊंगा। प्लीज प्लीज प्रियदर्शनी ने आशुतोष पे भरोसा कर उसे अपने घर के अंदर आने दिया। यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। प्रियदर्शनी का केस भी एक ऐसा ही बहुचर्चित केस था जिसमें एक वरिष्ठ गवर्नमेंट अधिकारी का बेटा आशुतोष प्रियदर्शनी के रेप और उसकी हत्या का आरोपी था। ये केस अदालत में कई सालों तक चला, तारीख पर तारीख पर तारीख। एक मशहूर फिल्म में ये डायलॉग यादगार बनकर रह गया और इस केस में भी प्रियदर्शनी के पिता सिर्फ तारीख पर तारीख गिनते रहे। प्रियदर्शनी ने श्रीनगर से ग्रेजुएशन करने के बाद लॉ की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। वो प्रियदर्शनी का दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहला दिन था और रैगिंग के दौरान ही आशुतोष की नजर उस पर टिक गई। मैडम लॉ क्यों बनना चाहते? सोसाइटी की हेल्प करना चाहती हूँ। क्या? लोगों को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। गुड गुड। अरे एक मिनट बाबा, चलो तुम्हारा पहला कोर्ट केस, तुम खुद की हेल्प करो, खुद को इंसाफ दिलाओ, साबित करो कि ये किताबें तुम्हारी हैं, मेरी नहीं। कम ऑन। मैं जज हूं। मैं डिफेंस लॉयर। चलो कम ऑन। अरे मिस क्यूट लॉयर, यहां चुप रहोगी तो फिर कोर्ट में जबान कैसे खोलोगी? स्वीटा कम ऑन से समथिंग। आशुतोष प्रियदर्शनी की ओर आकर्षित हो चुका था। Hi. Hello. Hi. Friends? Fine. इस फ्रेंडशिप को सेलिब्रेट करनी चाहिए नहीं? तो अच्छा, हम एक पार्टी हो रही है और हम लोग उसमें जा रहे हैं, यू एंड मी। सॉरी लेकिन मुझे पार्टीज में इंटरेस्ट है। ओह लेट्स लीव। वी नीड टू लीव, एक्सक्यूज अस। राइट राइट ऑलराइट, आई विल सी यू लेटर। प्रियदर्शनी को आशुतोष में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने शुरुआत में ही ये बात आशुतोष को साफ बता दी थी, पर आशुतोष को तो जैसे ना सुनने की आदत ही नहीं थी। हाय प्रिया, आओ लिफ्ट दे देता हूँ। थैंक्स, मैं लिफ्ट नहीं लेती। क्यों? बस नहीं लेती। अरे प्रिया मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं डिसेंट हूँ। फाइन तो डिसेंट बने रहो, जाओ यहाँ से। अरे तुम इतना करती क्यों यार, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आओ बैठो, बता दो मेरी प्रॉब्लम क्या है। कम। अरे प्रिया 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 एक सेकंड प्लीज प्लीज प्लीज, आई एम सॉरी। मैं तुम्हें लाइक करता हूँ प्रिया, आई एम इंटरेस्टेड इन यू, बट आई डोंट लाइक यू। मेरी तरफ से हमेशा ना था ना है,
आगे भी रहेगा। हाँ था, हाँ है और आगे भी हाँ ही रहेगा। आशुतोष कभी ये बात समझ ही नहीं पाया कि प्रियदर्शनी को क्यों उसमें दिलचस्पी नहीं थी। आईपीएस का बेटा, इसका मतलब उसे बदतमीजी करने का लाइसेंस मिल गया। You know what he did in the morning? बस स्टॉप पे आ गया। I'm telling you, जहाँ मैं जाऊँ मेरे पीछे पीछे। प्रिया, मुझसे शादी करोगी? प्रिया, आशुतोष, ये तमाशा बंद करो। I love you, प्रिया। और मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, मुझसे शादी करोगी? आशुतोष, stop all this. मेरे सवाल का जवाब दो प्रिया। जवाब मिल गया। आशुतोष का आकर्षण अब जुनून में बदलता जा रहा था। उसने प्रियदर्शनी का पीछा करना शुरू कर दिया। प्रियदर्शनी मजबूत लड़की थी। वो आशुतोष की धमकाने वाली हरकतों से डरी नहीं, चुपचाप सहने की बजाय वो सीधे पुलिस स्टेशन जा पहुंची। क्या उसने छुआ आपको? छूने के अलावा और भी कई किस्म की बदतमीजियां होती हैं सर। वो मेरा पीछा करता है, जहां मैं जाती हूँ वहीं आ जाता है। कॉलेज भी तो एक ही है आपका। लेकिन लोकेलिटी तो एक नहीं है ना। आज सुबह वो मेरे घर के सामने खड़ा था। इत्तेफाक भी हो सकता है। इत्तेफाक हो सकता है? क्लासरूम के सामने, बस स्टॉप पे, घर के सामने, यहाँ तक कि लेडीज टॉयलेट के बाहर, सब इत्तेफाक है ना। देखिए, आप मुझे साफ साफ बताइए, आप आशुतोष के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे या नहीं? देखिए, अभी तक उसने आपको फिजिकली हार्म नहीं पहुंचाया है, राइट? क्या चाहते हैं आप, मैं वेट करूं कब आशुतोष आए या मुझे फिजिकली हार्म करे? नहीं, हम प्रोटेक्शन देंगे आपको। यादव, एक कांस्टेबल आपके साथ रहेगा हमेशा, ठीक है? सारे सुराग और सबूत ये इशारा करते हैं कि प्रियदर्शनी का रेप और मर्डर आशुतोष ने ही किया है। लेकिन इशारा तो इशारा ही होता है, कुछ ठोस साबित नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया है? वेल, एक बात मैं यहाँ जरूर कहूँगा कि आशुतोष के पिता का एक सीनियर पुलिस ऑफिसर होना इस केस को काफी इन्फ्लुएंस किया है, लिहाजा आशुतोष को बेनिफिट ऑफ डाउट देने के अलावा मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। इसलिए यह अदालत आशुतोष को बरी करती है। प्रियदर्शनी के बलात्कार और हत्या के 3 साल बाद एक ट्रायल कोर्ट ने आशुतोष को सभी आरोपों से बरी कर दिया। प्रियदर्शनी के घर का नौकर वीरेंद्र इस घटना का प्रमुख गवाह था, लेकिन पुलिस उसे अदालत में पेश नहीं कर पाई। वीरेंद्र लापता हो चुका था, पर लोग प्रियदर्शनी को न्याय दिलाने के लिए एकजुट हो चुके थे। आरोपी एक आईपीएस ऑफिसर का बेटा था, और जब ये केस कोर्ट में था तो उस वक्त आशुतोष के पिता दिल्ली पुलिस के दूसरे सबसे बड़े ओहदे पर थे। इस जुर्म का मुख्य गवाह वीरेंद्र लापता था, इस वजह से कोर्ट ने आशुतोष को बरी कर दिया। लेकिन एक कुशल पत्रकार ने वीरेंद्र को उसके बिहार स्थित गांव से ढूंढ निकाला। प्रियदर्शनी का केस अब सीबीआई के हवाले कर दिया गया था। सीबीआई को डर था कि आशुतोष के पिता अपने सारे पावरफुल कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे आशुतोष को बचाने के लिए, और ऐसा ही हुआ। ट्रायल कोर्ट ने आशुतोष को बरी कर दिया और सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की। फिर भी 2006 नवंबर तक इस केस में एक पत्ता तक नहीं हिला। प्रियदर्शनी के पिता अब टूट चुके थे। मैं हार गया हूं। प्रिया की मम्मी, हमारी बेटी को अब कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। प्रियदर्शनी दिल्ली में अपने एक रिश्तेदार के घर रहती थी और उसके पिता जम्मू में थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रियदर्शनी के साथ जो कुछ हो रहा था वो सुनकर उसके पिता चिंतित हो उठे। पापा, आप टेंशन मत लीजिए,
नहीं नहीं पापा, आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं संभाल लूँगी पापा, मैं यहाँ सब संभाल लूँगी। पापा, मैं लॉर्ड बनने जा रही हूँ। अब ऐसे लोगों से सुबह शाम पाला पड़ सकता है, समझ लीजिए मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम। पुलिस की सुरक्षा के बावजूद प्रियदर्शनी आशुतोष के हाथों परेशान होती रही। प्रिया, प्रमीना मैम तुम्हें लाइब्रेरी में बुला रहे हैं, कुछ अर्जेंट काम है। मैं बस अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा था प्रिया, डरना नहीं तो। प्रिया, मैं वाकई तुमसे शादी करना चाहता हूँ प्रिया, एंड आई प्रॉमिस प्रिया, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा प्रिया, जिंदगी भर खुश रखूँगा। बस तुम मुझे रिजेक्ट नहीं करना प्रिया। वैसे एक खुशखबरी है, मैंने हमारी शादी की डेट फिक्स कर दी प्रिया। अब हम आज ही तुम्हारे मम्मी पापा के पास चलते हैं और उनका आशीर्वाद ले लेते हैं। हाँ, और रही बात मेरे मम्मी पापा की, वो मेरी कोई बात नहीं डालते प्रिया, तुम फिक्र नहीं करना प्रिया, मैं हूँ ना। अब मैं जा प्रिया, अब मैं जाता हूँ। ओके, देख प्रिया, प्रैक्टिकली सोच, उस आशुतोष से हम मुकाबला नहीं कर सकते। तो मेरी बात मान, तो डीयू छोड़ दे, किसी और यूनिवर्सिटी से एलएलबी कर लेना। क्या गारंटी है वो वहां नहीं आएगा? मुझे पुलिस प्रोटेक्शन मिली है और मैं यहीं पढ़ूंगी। अरे उस कांस्टेबल के वहां होते हुए भी क्या हुआ? लेकिन इंदु देख, मैं एक लॉयर बनना चाहती हूँ, ठीक है? मैं इस देश के कोर्ट्स और इस देश के पुलिस पर से विश्वास नहीं उठा सकती। तो खुद सोच, अगर मैं कन्विंस नहीं होंगी तो मैं अपने क्लाइंट को क्या बताऊंगी, कैसे समझाऊंगी उन्हें कि इस देश के कानून पे विश्वास रखो। I have to be strong. आखिरकार प्रियदर्शनी ने लड़ने का फैसला किया। उसने पुलिस के उच्च अधिकारियों से मदद मांगी। आशुतोष को लिखित रूप में ये वादा करना पड़ा कि वो आइंदा प्रियदर्शनी से ना सिर्फ दूर रहेगा बल्कि उसे किसी भी तरीके से तंग नहीं करेगा। आशुतोष प्रियदर्शनी से दूर तो रहने लगा, लेकिन उसने उसे तंग करने के लिए दूसरे तरीके आजमाना शुरू कर दिए। आशुतोष ने प्रियदर्शनी के खिलाफ प्रिंसिपल के पास ये शिकायत की कि प्रियदर्शनी एक साथ दो डिग्रियों के लिए पढ़ाई कर रही थी, जो कि गैर कानूनी था। जांच के बाद ये शिकायत झूठी और बेबुनियाद निकली। प्रियदर्शनी अपनी एमकॉम की पढ़ाई साल 1991 में ही पूरी कर चुकी थी और उस वक्त वो सिर्फ लॉ की पढ़ाई कर रही थी। एक लड़का एक लड़की को छेड़ता है, ये हर गली मोहल्ले और कॉलेज में होता है, लेकिन हर बात की कुछ हदें होती हैं। जब ये हदें पार हो जाती हैं, तो ये छेड़छाड़ नहीं बल्कि ऑब्सेशन बन जाता है। प्रियदर्शनी अलग मिट्टी की बनी थी, उसने ठान लिया था कि वो आशुतोष का मुकाबला डट कर करेगी। 2006 भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए एक यादगार वर्ष था। अदालतों पर हाई प्रोफाइल केसेस की सुनवाई जल्द से जल्द करने के लिए दबाव डाला गया। एक फिल्म जिसने लोगों को हौसला दिया, ऐसी न्याय व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने का जो हाई प्रोफाइल नागरिकों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गई थी। जेसिका लाल और नीतीश कटारा केस की तरह प्रियदर्शनी का मामला भी फास्ट ट्रैक अदालत के हवाले कर दिया गया। 31 अगस्त 2006 से इस मामले की सुनवाई हर रोज होने लगी, जो कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था के लिए बहुत अनोखी बात थी। और इस मामले का फैसला सिर्फ 42 दिनों में ही आ गया, जो कि अपने आप में एक मिसाल था। और जब तक फैसला आया, आशुतोष की शादी हो चुकी थी और वो एक वकील भी बन चुका था। लेकिन उसी की वजह से प्रियदर्शनी का वकील बनने का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सका। हाय प्रिया, प्रिया प्लीज दरवाजा बंद मत करना। लेट मी इन, जाओ यहां से, नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। प्रिया, मैं बस माफी मांगने आया प्रिया, प्लीज। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, इट्स ओके। प्रिया, तुम्हारी आंखों में नहीं लगता कि तुमने मुझे माफ किया। प्लीज, तुमने दिल से नहीं माफ किया मुझे। आई कैन सी इट। मैंने तुम्हें दिल से माफ किया आशुतोष, प्लीज जाओ यहां से। आई जस्ट वांट टू कम इन फॉर 2 मिनट्स प्रिया, तो फिर के बाद मैं चला जाऊंगा। प्लीज प्लीज। देखो तुम्हें जो कहना कहो, जल्दी जाओ यहाँ से। प्रिया, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया,
बहुत बदतमीजी की है मैंने तुम्हारे साथ, और जो कुछ भी मैंने किया है ना, मुझे नहीं करना चाहिए था प्रिया। पता नहीं मैंने कैसे कर दिया प्रिया, तुम एक बार मुझे माफ कर दो प्रिया प्लीज, एक बार मुझे दिल से माफ कर दो, तो फिर मैं चला जाऊंगा प्रिया। आशुतोष स्टॉप इट, आशुतोष मैंने तुमसे नहीं माफ करी, प्लीज लीव। आशुतोष मैंने तुम्हें माफ किया आशुतोष। थैंक यू प्रिया, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा और तुम्हें भी नहीं भूलूंगा। लेकिन प्रिया क्या तुम मुझे भुला पाओगे? बाय आशुतोष। मुझे ऐसा क्यों लगता है प्रिया कि तुम्हारी सारी नाराजगी के पीछे, सारे गुस्से के पीछे मेरे लिए नफरत नहीं, प्यार था, है और हमेशा रहेगा। आशुतोष तुम प्लीज मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो, तुम्हें क्या दिखता है प्रिया? आई लव यू सो मच प्रिया, आई लव यू सो मच। गेट आउट प्रिया, हम दोनों बहुत खुश रहेंगे प्रिया, देखो वी कैन मेक दिस वर्क। आशुतोष आई कॉल द कॉप्स, मैं पुलिस को बुला दूंगी। आशुतोष देखो आई डू एनीथिंग फॉर यू प्रिया, आउट आशुतोष प्लीज प्लीज, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तुम बुला नहीं सकते, कॉल द पुलिस। तुम नहीं करोगी प्रिया, प्रिया तुम नहीं करोगी, तुम मुझे चाहती हो प्रिया, तुम मुझे चाहती हो प्रिया, तुम मेरी हो। आशुतोष यू आउट ऑफ योर माइंड। नो प्रिया लीव मी आशुतोष। प्रिया तुम मुझे कभी समझ नहीं पाई, आज मैं तुम्हें समझाता हूँ। आशुतोष ने प्रियदर्शनी को अपनी हवस का शिकार बना ही लिया, उसने उसका बलात्कार किया। अदालत के सामने फिर एक बार डीएनए रिपोर्ट रखी गई। इस बार अदालत ने माना कि वो रिपोर्ट आधी अधूरी नहीं थी, जैसा कि पिछले जज ने अपने फैसले में कहा था। घटनास्थल पर मिले सबूत और फॉरेंसिक जांच के नतीजे मुजरिम की ओर साफ इशारा कर रहे थे। मैंने तुमसे कहा था प्रिया हम दोनों एक साथ बहुत खुश रहेंगे, पर नहीं, अब रोती रहना जिंदगी भर। लेकिन प्रिया मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, इसलिए आज मैं तुम्हारे आंसू हमेशा के लिए पोंछ दूंगा प्रिया। आशुतोष ने अपनी हेलमेट से प्रियदर्शनी के चेहरे पर 14 वार किए। वायर की मदद से आशुतोष ने प्रियदर्शनी को गला घोट के मार डाला। ये कोर्ट अक्यूज आशुतोष सिंह को प्रियदर्शनी के रेप और मर्डर का दोषी मानती है। इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 376 और 302 के तहत दोषी करार देती है, और साथ ही ये कोर्ट पहले के ट्रायल कोर्ट के रवैये की निंदा करती है, जहां अदालत ने न्याय का गला घोटा और पूरी न्याय व्यवस्था को झुंझोड़ कर रख दिया। इस लंबी चली कानूनी लड़ाई में प्रियदर्शनी की दोस्त इंदु लगातार एक मजबूत सहारा बनके प्रियदर्शनी के पिता के साथ खड़ी रही। देख प्रिया, प्रैक्टिकली सोच, उस आशुतोष से हम मुकाबला नहीं कर सकते। मैं एक लॉयर बनना चाहती हूँ, ठीक है? मैं इस देश के कोर्ट्स और इस देश के पुलिस पर से विश्वास नहीं उठा सकती। तो खुद सोच, अगर मैं कन्विंस नहीं होंगी तो मैं अपने क्लाइंट को क्या बताऊंगी, कैसे समझाऊंगी उन्हें कि इस देश के कानून पे विश्वास रखो। आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। प्रियदर्शनी का रेप और मर्डर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में से एक है। ऐसे केसेस में इस देश के कानून ने अपराधी को सबसे ऊंची सजा यानी कि सजाए मौत सुनाई है।
इस केस में भी ये अदालत डेथ पेनल्टी को मुनासिब समझती है और मुजरिम आशुतोष सिंह को फांसी की सजा सुनाती है। जज ने अपना फैसला देते हुए कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि एक उच्च पुलिस अधिकारी का बेटा और खुद एक वकील होने के बावजूद आशुतोष का व्यवहार निहायत ही गैर जिम्मेदाराना और शर्मसार था। उसने जानबूझकर प्रियदर्शनी को न सिर्फ मानसिक बल्कि शारीरिक यातनाएं भी दी। आशुतोष सिंह फिलहाल जेल में कैद है। 19 फरवरी 2007 को उसने सुप्रीम कोर्ट में सजाए मौत के खिलाफ अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फांसी पर स्टे ऑर्डर जारी किया। इस स्टे के खिलाफ अपील की गई है लेकिन मुकदमा अभी शुरू होना बाकी है।